दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे सभी 28 राज्यों की पारंपरिक पोशाकें, पारंपरिक परिधान। बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ याद करेंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि इनके नाम ही अजीब अजीब तरह के हैं। बट आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय की। देखिए यहां से दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, पुरुषों की पोशाक पूछ लेंगे और महिलाओं की पूछ लेंगे। आप ये मान के चलिए ज़्यादातर महिलाओं की पोशाकों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70% महिलाओं की पोशाक, 30% पुरुषों की पोशाक। जो जो पोशाकें इंपोर्टेंट है वो सभी हमने इंक्लूड की है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मेघालय की। मेघालय में पुरुषों की पोशाक है लिम्फांग, बिना कॉलर का कोट होता है भाई, और महिलाओं की पोशाक है खिरवाज, जैनसेन धारा। अब पुरुषों की पोशाक है तो पुरुषों को भाई ज्यादा जिम करने का शौक होता है, और जिम करने के इतने शौकीन हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है ना कि मेघालय मेघ आने वाला है, जिम का टाइम हो गया और ये लग रहा है मेघ आने वाला है, तो वो 2-3 घंटा पहले भी जिम में जिम फांग कर लेंगे, जिम करने चले जाएंगे। पुरुषों को इतना शौक चढ़ जाता है जिम का, मेघालय मेघ आने से पहले ही जिम चले जाएंगे, चाहे 2 दिन पहले ही चले जाएं। तो जिम भाग क्यों? क्योंकि मेघालय मेघ आ रहा है, मेघ आए मेघ आने से पहले भाई तू जिम चला जा। महिलाओं की पोशाक खिरवाज और जैनसेन धारा। खिरवाज, मेघ आया, बारिश आई, तो खिरवाज खिल गया बाग। भाई मेघ आएगा, बारिश आएगा, तो बाग बगीचे तो खिल जाएंगे ना। खिरवाज खिल गया बाग, जैनसेन धारा, सारा जन बारिश की मेघ की धारा में भीग गया। तो बिल्कुल इजी हो गया भाई। मेघालय पुरुष जिम भाग जाते मेघ आने से पहले, महिलाओं का लगाया हुआ खिरवाग खिल गया बाग, जैनसेन धारा, सारा जन मेघ की धारा में भीग गया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पोशाक है पुरुषों के लिए फेरल, घुटनों तक का लंबा गाउन होता है और महिलाएं भी फेरल पहनती हैं, साथ ही आधुनिक परिधान पहनती हैं। अब फेरल में एक शब्द छिपा है, फेल हो गया भाई। आतंकवाद का जो सिस्टम था, आतंकवाद की जो फंडी थी, आतंकवादियों का जो मंसूबा था, वो अब जम्मू कश्मीर में हो गया है फेल। नेक्स्ट, मणिपुर का राष्ट्रीय पोशाक है पुरुष पहनते हैं धोती शरीर पर लपेटकर, साथ ही स्मार्ट जैकेट पहनते हैं, हेड गियर पगड़ी पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं इनापी और फानेक। अब मणिपुर का हो गया मनी, भाई जिसके पास मनी होगी, रुपया होगा, पैसा होगा, वही तो स्मार्ट जैकेट पहनेगा ना। हम जैसे तो भाई सिंपल सी शर्ट या टी शर्ट, जिसके पास मनी होगी वो तो भाई स्मार्ट से स्मार्ट जैकेट पहनेगा। धोती बिल्कुल कॉमन है भाई, धोती कुर्ता, धोती मर्जई, धोती पगड़ी, ये आधे से ज़्यादा स्टेट पे पहनी जाती है, नहीं पूछा जाएगा। धोती बिल्कुल कॉमन है, इसे आप छोड़ दीजिए, वैसे लिख दिया है आपको माइंड में रहे। हेड गियर पगड़ी, हेड पर गियर, गिर गया पेड़ तो भी पगड़ी बचा ले, वो पगड़ी बहुत महंगी आएगी, कौन पहनेगा? जिसके पास मनी होगी, रुपया होगा, मणिपुर होगा, वही भाई हेड गियर पगड़ी पहनेगा। हेड गियर, हेड पर गिरा, चाहे पेड़ चाहे कार कुछ भी गिरा, वो पगड़ी बचा लेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी जबरदस्त बनी हुई है और आएगी महंगी आएगी, कौन लेगा? जिसके पास मनी होगी तो मणिपुर। हेडगियर पगड़ी कौन पहनेगा? मणिपुर। इनापी, वो भाई इतना पीती है कि उसे होश ही नहीं रहता, कहाँ गिर गया, कहाँ पे लोट पलोटे मार रहा है। इनापी इतना पीता है, क्यों? क्योंकि मनी है भाई, मणिपुर मनी है उसके पास, और लोग कहते हैं इतना ना पी जो तेरे पास पैसा है। फानेक, वाने नेक काम में लगा, फानेक वो नेक काम में लगा, मनी को नेक काम में लगा, इना नापी मनी बेस्ट ना। सिंपल है, एक बंदा है भाई पूरा दिन पीता रहता टल्ली रहता पूरा दिन, लोग कह रहे हैं उसको इना नापी। वो कहता है पीऊंगा भाई, मेरे पास मनी है, मणिपुर है, पीऊंगा। फिर लोग कह रहे हैं तेरे पास मनी है तो उसे फानेक फल मिलेगा, नेक काम में लगा, फानेक फल मिलेगा, नेक काम में लगा, मनी को इना नापी भाई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पुरुष पहनते हैं बांदी धोती, जैकेट और टोपी, महिलाएं लूगरा, ओरनी, लिंगा। अब मध्य प्रदेश का हो गया मध्य, भाई हमारे मध्य एक ऐसा
बांधी धोती, ऐसा बंदा है जिसने लोगरा, लंगूर, ओरनी, शेरनी, लिंगा, बारासिंगा। भाई हमारे मध्य ऐसा बंदा है जिसने लूगरा यानी कि लंगूर को, ओरनी यानी कि शेरनी को, लिंगा यानी कि बारासिंगा को बंदी बना रखा है। हमारे मध्य ही है वो बंदा, मध्य प्रदेश में ही है, उसे ढूंढ कर लाओ। कौन है, कैसा बंदा है यानी कि बांधी धोती, ऐसा बंदा है जिसने लूगरा, लंगूर को, ओरनी, शेरनी को, लिंगा, बारासिंगा को बंदी बना रखा है। वो बंदा हमारे मध्य ही है, अपने आप हाथ उठा ले, ना तो कानूनी कार्रवाई होगी। नेक्स्ट, केरल में पुरुषों का पारंपरिक परिधान है मुंडू, टखनों तक ये पहना जाता है। महिलाओं का मुंडन नेरियथम साड़ी। अब यहाँ पर चाहे पुरुष की पोशाक हो चाहे महिला की पोशाक हो, मुंडू मुंडन एक ही शब्द आ रहा, मिलता जुलता मुंडू मुंडन यानी कि मूड है। और केरल का हो गया करेला। भाई करेला खाते ही मूड खराब हो जाता है, करेले की सब्जी का नाम सुनते ही मूड खराब हो जाता है। जब भी ऑफिस से घर पहुँचते पूछते हैं क्या बना, उधर से आवाज आती है करेला, तो भाई सारा मुंडन सारा मूड खराब हो जाता है। तो केरल की पारंपरिक पोशाक है पुरुषों के लिए मुंडू, महिलाओं के लिए मुंडन। मुंडू मुंडन सारा मूड खराब हो जाता है भाई करेले का नाम सुनते ही। नेक्स्ट, कर्नाटक, पुरुषों के लिए मैसूर पेटा और लुंगी, महिलाएं इलकल साड़ियां। अब कर्नाटक का हो गया नाटक। भाई मैसूर का पेठा, आगरा का पेठा तो हमने सुना है भाई, अब यहाँ पर मैसूर का पेठा भी इतना मैसूर है कि मैसूर का पेठा खाने के लिए भी लोग नाटक कर रहे हैं। कर्नाटक यानी कि नाटक, नाटक कर रहे हैं भाई, मुझे मैसूर का पेठा खाना, जो मशहूर है ना मैसूर का पेठा वो खाना है, मशहूर पेठा खाना है, और उसके लिए कोई भी नाटक करने को तैयार, तरह तरह का नाटक करे भाई, कोई किसी तरह मुझे मैसूर का पेठा खिला दे, मशहूर पेठा खिला दे। महिलाएं इलकल साड़ियां। अब महिलाएं भी बहाना करती हैं कि बेटा तुझे मैं एक कल दिलाऊंगी साड़ी। बेटी कह रही है मम्मा मुझे साड़ी दिला दो, मम्मा साड़ी दिला दो। तो महिला नाटकबाज है, पैसे है नहीं, नाटकबाज है महिला, बच्ची का मन भी रख रही है और काम भी चला रही है। क्या नाटक कर रही है, इकल एक कल दिला दूंगी, इलकल एक कल दिला दूंगी साड़ी तुझे, तू अभी रहने दे। तो भाई महिलाएं जब भी नाटक करती हैं तो यही बोलती है, ई कल कर लेना काम, ई कल कर दूंगी काम, ई कल दिला दूंगी साड़ी, ई कल बर्तन कर दूंगी, ई कल सब्जी बना दूंगी, यानी कि इलकल साड़ियां कर्नाटक। नेक्स्ट, झारखंड का राष्ट्रीय पोशाक पुरुषों के लिए आधुनिक वस्त्र है पश्चिमी संस्कृति के साथ, महिलाओं के लिए तुषार रेशम साड़ियां और पार्थन पेची। आधुनिक वस्त्र जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं बिल्कुल लीजिए, महिलाओं का याद कर लीजिए। तुसार, तुसारा झारखंड, झारखंड को रिलेट करेंगे झारझंकड़ से, जो मेरे झारखंड से भाई बंधु हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई बुरा मत मानियो, ट्रिक है रिलेट और याद कराने के लिए। झारखंड का हो गया झारझंकड़ तुसार, तुसारा खेत का झारझंकड़ काट दे तुसार, तुसारा झारझंकड़ अगर खेत का काट देगी तो तुझे मैं रेशम की साड़ी दूंगा। अब महिला बेचारी खुश हो गई और खुशी खुशी खेत का झाड़ झंकड़ काटने लग गई। पति कह रहा है तुसार, तू सारा झाड़ झंकड़ काट दे फिर रेशम की साड़ी दूंगा। महिला खुश होकर झाड़ झंकड़ काटने लग गई, उसने सारा झाड़ झंकड़ काट दिया और पति ने उसे खुश होकर रेशम की साड़ी दी। और है पार्थन पेची, पार्थन यानी कि पायथन, पायथन यानी कि अजगर। पायथन कहाँ मिलता है, झाड़ियों में छुपा होता है। महिला जब खेत में झाड़ियाँ काट रही थी तो महिला को वहाँ पर पार्थन यानी कि पायथन मिला, अजगर मिला, महिला ने उसे पैची कैंची से काट दिया। भाई महिला को झाड़ियों में झाड़ झंकड़ में पायथन मिला, महिला ने उसे पैंची यानी कि कैंची से काट दिया। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात में पुरुषों के लिए है क्रोनो, केडियो एवं आधुनिक परिधान, महिलाओं के लिए है घाघरा, चनिया चोली, पटोला प्रिंट दुपट्टा। अब गुजरात का हो गया गुजारा। भाई गुजरात गुजारा, और आपने देखा होगा कोरोनो, कोरोनो यानी कि कोरोना में लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तो कोरोना में गुजारा करना मुश्किल हो गया और एक केडियो किडनी, केडियो किडनी, अगर किसी की किडनी में दिक्कत आ गई, किडनी खराब हो गई तो उसका भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। कोरोना और किडनी दोनों की समस्या में गुजारा करना मुश्किल हो गया था, मुश्किल हो जाता है। महिलाओं का परिधान घाघरा चनिया चोली। अब महिलाएं बेचारी अपना गुजारा घाघरा पहनकर चनिया चोली बेचकर भी कर सकती है, उन्हें पटोला प्रिंट दुपट्टे की जरूरत नहीं है। जैसी परिस्थितियां वैसा गुजारा, अगर घर में दो पैसे हैं तो पटोला प्रिंट दुपट्टा पहन लेगी, पैसे नहीं है तो वो बेचारी घाघरा पहनकर चनिया चोली चने छोले बेचकर भी गुजारा कर लेगी, भूखा नहीं मरने देगी आपको। भाई नेक्स्ट गोवा, गोवा के अंदर भाई
शर्ट है, हाफ पैंट है और बांस की बनी टोपी है। आप गोवा घूमने जाते हैं तो शर्ट जरूर लेते हैं और हाफ पैंट पहनते हैं ताकि बीच में जैसे घूमे तो आपके गीले ना हो कपड़े। और गोवा घूमने जाओ ना तो भाई आपके बॉस के पास जो टोपी है ना, बहुत मस्त टोपी है, आप अपने बॉस की टोपी ले जाना अगर आपके बॉस मान जाए तो। गोवा जा रहे हो ना आप घूमने, एक शर्ट जरूर ले जाना, हाफ पैंट ले जाना और आपके बॉस के पास जो टोपी है ना, बॉस की टोपी, बॉस की टोपी ले जाना, बॉस की टोपी में फोटो खिंचवाना, बॉस को सेंड करना, बॉस खुश हो जाएंगे। महिलाओं की पोशाक नववारी यानी कि 9 गज की साड़ी है ये। और पानो भुजो, भाई गोवा का पानी ऐसा है ना, प्यास ही नहीं बुझती पानी। पानो भुजो, पानी से प्यास नहीं बुझती, कहाँ के पानी से, गोवा के पानी से पासो भुज, प्यास नहीं बुझती भाई। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, पुरुष पहनते हैं भाई धोती पगड़ी, बिल्कुल सिंपल है। महिलाएं कुचौरा शैली की साड़ियाँ पहनती है जिनकी लंबाई घुटनों तक की होती है। अब पुरुषों की है धोती पगड़ी, किसी राज्य में धोती गमछा मिलेगा, धोती कुर्ती मिलेगी तो ये कॉमन है। याद करते हैं महिलाओं की पोशाक कुचौरा सेली साड़ियाँ, कुचौरा यानी कि कचोरी, सेली सेल कर रही है भाई, क्या पहनकर, साड़ी पहनकर, अब महिला है वो कुचोरी यानी कि कचोरी सेली सेल कर रही है साड़ी पहनकर, तो लोग कह रहे हैं अरे छी 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 छत्तीसगढ़ कितने अच्छे खानदान की है देखो, फिर भी कचोरी सेल कर रही है वो भी इतनी महंगी साड़ी पहनकर। भाई सिंपल सी बात है, कोई महिला सज धज कर साड़ी पहनकर कचोरी सेल करेगी तो हर कोई कहेगा अरे ची 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 ची, अरे क्या कर रही है यार मैडम, अरे ची 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 कचोरी सेल कर रही है साड़ी पहनकर इतनी महंगी, ची 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 छत्तीसगढ़ कचोरी सेली साड़ियाँ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, पुरुषों के लिए है धोती कुर्ता कॉमन है भाई, महिलाओं के लिए हथकरघा साड़ी और लंगड़ा वॉन। और देखिए दोस्तों इनकी इमेज आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, देखिए बहुत सारी इमेज हो जाती है, अगर उनको हम ऐड करेंगे सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, तो आप चाहे तो किसी भी पोशाक की गूगल पर सर्च करके मैच कर लीजिए। अब अंधकार था अंधेरा, लाइट चली गई शॉप पर अंधेरा हो गया, लंगड़ा वॉन, एक लंगड़ाता हुआ वोना बंदा आया और हाथ साफ कर गया साड़ी पर, हथ कर गया साड़ी, हाथ साफ कर गया साड़ी पर, कौन है, एक लंगड़ाता हुआ वोना आया, कब, जब लाइट चली गई शॉप पर अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया यानी कि आंध्र प्रदेश, जब अंधेरा हुआ अंधकार हुआ शॉप पर तो एक लंगड़ाता हुआ वोना आया और हथ कर गया, हाथ साफ कर गया साड़ी पर भाई। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय पोशाक है पुरुषों के लिए गेंडे के बाल से सजी टोपी शर्ट और लुंगी, महिलाओं के लिए लहंगा लंबी जैकेट। अब अरुण बेचारा भोला भाला बच्चा, अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण भोला भाला बच्चा है, उसकी बीबी ने उसको बोला जा मेरे लिए महंगा लहंगा लेकर आ, अरुण की जेब में पैसे नहीं, मार्केट चला गया, लहंगा नहीं लाया, लंबी जैकेट ले आया, घर पहुंचा महिला ने उसे धे धनाधन धे धनाधन धे धनाधन, मंगवाया था महंगा लहंगा ले आया लंबी जैकेट, अच्छा आ जा इधर धे धनाधन धे धन, अरुण की तो भाई बखिया बैठा दी, अरुण के बाल पकड़कर गेंडे की तरह पीटा महिला ने, अरुण के बाल पकड़कर गेंडे की तरह पीटा, महंगा लहंगा मंगवाया था लेके आया लंबी जैकेट, अच्छा आई धरा बाल पकड़ के गेंडे की तरह पीटा धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़। उसके बाद है आसाम, आसाम में पुरुषों का पारंपरिक पोशाक है धोती कुर्ता धोती गमछा, महिलाओं की मेखला चादर रिहा मेखला। और बिहार में पुरुषों की पोशाक है धोती मिर्जई कुर्ता गमछा, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, आसाम में देखिए धोती गमछा है, बिहार में कुर्ता गमछा। तो भाई आसाम के पुरुषों की पोशाक धोती कुर्ता कुर्ता गमछा, महिलाओं की मेखला चादर रिहा मेखला, आसाम यानी कि आसमान मेखला, मेखुला चादर मत डाल, बादल हो रहे हैं कभी भी बारिश आ सकती है, चादर गीली हो जाएगी, मेखला मेखुला आसमान मेखुला चादर मत डाल, बारिश आएगी गीली हो जाएगी, ऐसे ही रिहा मेखला आसमान में खुला, ना तो अनाज डालना चादर डालना कपड़े डाल, बारिश आएगी आसमान से गिली हो जाएगी, तो आसमान में खुला कुछ भी मत डाल यानी कि मेखला चादर रिहा मेखला। नेक्स्ट बिहार, बिहार में पुरुष धोती मिर्जई कुर्ता गमछा पहनते हैं, महिलाएं सेंधा अंचल और कमीज सलवार पहनती हैं। अब बिहार का हो गया बाहर, जब भी महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो सीधा आंचल पहनकर निकलती हैं भाई, महिलाओं को घर से बाहर बिहार बाहर निकलने पर सीधा आंचल पहनकर निकलना चाहिए और कभी कभी वो कमीज सलवार भी पहन सकती हैं। पुरुषों की कॉमन है भाई धोती मर्जी कुर्ता गमछा, महिलाओं का याद कर लीजिए, महिलाओं को घर से बाहर निकलते ही सीधा आंचल पहनना चाहिए, वो कभी कभी कमीज सलवार भी पहन सकती हैं।
और दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पार्ट टू हम जल्द ही लेकर आएंगे जिसमें बचे हुए सभी स्टेट को कवर करेंगे, एक साथ करेंगे तो भाई ज़्यादा हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा।